हेलो दोस्तों, मैकेनिक टीवी हिंदी के बीएससी स्टैक अड्डा सीरीज में आज हम जानेंगे डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से आइडल एयर कंट्रोल वॉल्व की टेस्टिंग कैसे की जाती है। और यदि अभी तक आपने मैकेनिक टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे बीएससी और नई टेक्नोलॉजी के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। सबसे पहले आईएसी वॉल्व को ईसीयू से मिलने वाले सप्लाई की जांच की जाएगी। इसके लिए मल्टीमीटर को वोल्टेज बोर्ड में रखकर उसके रेड प्रोब को कपलर के रेड येलो वायर से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। हमें यहाँ 3.04 वोल्टेज की रीडिंग देखने मिल रही है। अब ये प्रोसेस सभी वायर के साथ रिपीट करेंगे। अगर सभी वायर में सेम वोल्टेज आए तो इसका मतलब ईसी से सप्लाई मिल रहा है। सप्लाई में गड़बड़ी आने पर वायर में कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके उसके रेड प्रोब को कपलर में रेड येलो वायर के पिन से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ऐसे में मल्टीमीटर से बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज आ रही तो इसका मतलब वायर शॉर्ट है। अब ये प्रोसेस बाकी के वायर के साथ रिपीट करके उनकी कंटिन्यूटी की जांच करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मैकेनिक टीवी हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।